अभी पता है थोड़े दिनों पहले वो बिहार में मैरिट घोटाला हुआ था, हाँ एसआई टॉपर्स बना दिए गए थे किसी को भी, उन लोग को सब्जेक्ट्स का बारे में पूछा गया था ना, तो उनको वो भी नहीं पता था। बाद में जांच हुई, पता चला कि उन लोगों की पर्चियां बदल दी गई थी और उन लोगों को टॉपर बनाया गया था। ओके, अभी वो पैसा दिया है क्या दिया वो पता नहीं है, अभी वो फिर से उन लोग का री एग्ज़ाम ले रहे हैं और वहाँ का जो भी वो मंत्री मंत्री था उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये सब हो रहा है, देखो एजुकेशन में भी भ्रष्टाचार है यहाँ पे इंडिया में। ये सब होते हैं ना दिमाग गर्म हो जाता है कि भाई एजुकेशन को तो छोड़ दो, वहाँ पे क्यों भ्रष्टाचार डाल रहे हो, तो पता है कितने टाइम से है, ये तो पकड़ा गया, वो तो वो न्यूज़ वाले गए उनको पूछने इसलिए वो पकड़े गए, वरना नहीं पकड़ में आते ना, नहीं आते। एक तो आरक्षण ऑलरेडी है यहाँ पे और ऊपर से ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, फिर क्या होगा, ये सब कांड होते रहता है ना। इसीलिए आज तक इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूट ना वर्ल्ड के टॉप 100 में नहीं आया, इतना बड़ा देश है फिर भी नाम नहीं है, शर्म करो, मुझे भी करना चाहिए। इसमें नुकसान किसका होता है पता है, जो लोग पूरी साल गधे की तरह मेहनत करते हैं ना फिर भी उनको वो कुछ आउटपुट नहीं मिलता ना, वो लोग को नुकसान है। हाँ, और ऐसे ठल्ले लोग टॉपर बन जाते हैं। और अगर ये सिस्टम नहीं बदला ना तो हर एक सत्य नादेला, हर एक सुंदर पिचाई है ना इंडिया के बाहर ही जाएगा, फिर बाद में गुणगान उन लोगों के गाते रहे ना, वो तो हमारे इंडियन है, फिर कोई दिमाग वाला टिकेगा नहीं यहाँ पे। सिर्फ ऐसे मल्टी टैलेंटेड जो टॉपर है ना बिहार के, ऐसे मल्टी टैलेंटेड लोग टिकेंगे सब सिस्टम में, सब सरकारी दफ्तरों में ऐसे लोग आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। हाँ, पता नहीं कुछ उसको कुछ कंप्यूटर ठीक से चलाना ही भी नहीं आता होगा, बड़ा साहब बन के वहाँ पे बैठा होगा। 2015-16 का नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट देखो, साफ साफ लिखा है 80% इंजीनियर्स है ना वो अनएम्प्लॉयड है। क्यों, नौकरी क्यों नहीं मिल रही? हाँ, नौकरी करने के लायक नहीं है क्या ये इंजीनियर लोग सब, बताओ। और ये देखो कि सारी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डॉक्टर और इंजीनियर हमारे इंडिया में पैदा होते हैं, हाँ आधे को भी नौकरी नहीं मिलती, मच्छर मारते हैं सब, आधे इंजीनियर तो कॉल सेंटरों में वो काम कर रहे हैं। क्यों, इंजीनियरिंग की है तो कुछ वो उखाड़ा नहीं लाइफ में? शर्म की बात है ये हमारे लिए, पर कुछ लोगों को शर्म की ये शर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए तो ये सब धंधा है, धन कमाने का धंधा है ये सब। हाँ, डिग्री भी तुम दे दो, पैसा तुम्हारे घर पर आ जाएगी, एग्ज़ाम देने जाओगे नहीं ना तो भी तुमको क्या चाहिए, तुमको 12th पास क्या चाहिए, बीकॉम का चाहिए, बीबीए का चाहिए, एमबीए, कुछ भी तुम डिग्री मांगो वो डिस्टेंस से वो कुछ भी सेटिंग वेटिंग करके तुमको मिल जाएगा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में कांड होता है ना, आराम से सब होता है, पैसा फेंको, तमाशा देखो, बड़ा बिजनेसमैन क्या बन गया, बड़ा वो कोई नेता क्या बन गया, खुद की कॉलेज खोल देगा। हाँ, फिर वहाँ की फैकल्टी तुम देखना कैसे होगी पता है, पढ़ो ना पढ़ो मेरे को तो सैलरी मिल रही है, भाड़ में जाओ सब। हाँ, और वहाँ से जो इंजीनियर निकलेंगे वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे ना। इंडिया में हर साल 3 मिलियन से ज़्यादा लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बनते हैं, 7 मिलियन से ज़्यादा लोग 10वीं 12वीं पास करके निकलते हैं, फिर भी वो लोग नौकरी ढूंढते रहते हैं। हाँ, ढूंढते रहते हैं, किसी को मिलती नहीं है। फिर बोलेंगे ना हम, भाई तुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही, तो रीज़न ऐसा देंगे, इतना करोड़ों लोग का देश है, कंपनियाँ सिर्फ वो बहुत कम है, हमको कैसे नौकरी मिलेगी, लोग कितने ज़्यादा है, हाँ वो कम पगार में बैठ जाता है। पर ये रीज़न एकदम गलत है, सही रीज़न ये है कि तुझे नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि वो तू नौकरी करने के लायक नहीं है, तेरी औकात नहीं है वो नौकरी करने की। हाँ, बहुत सारी ऐसी नौकरी है, तुम देखना सब वेबसाइट पे जाके देखना है, कुछ भी पेपर में है ना वो अपॉइंटमेंट आती है ना वो देखना, बहुत नौकरी आती है पर वो नौकरी करने के लायक बंदे है ही नहीं। ऐसे जत्थाबंद में सब निकलेंगे, इंजीनियर डॉक्टर वो सब पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट वो पैसे वाले सब, हाँ वो बेसिक एजुकेशन के लायक भी नहीं है, वो लोग कैसे वो इंटरव्यू फेस कर पाएंगे, वो कैसे काम कर पाएंगे, वो कुछ लायक ही नहीं लोग। अच्छी अच्छी कंपनियाँ ना अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढ रही है पर नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पे ना क्वांटिटी है क्वालिटी नहीं है, ये रिकॉर्ड तो हमने बना लिया कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर पैदा होते हैं, पर ये रिकॉर्ड के ऊपर मत ध्यान दो भाई। तुम हर साल पे ना 10 मिलियन लोगों को पास करोगे ना, वो नहीं है 1 मिलियन लोगों को पास करो, पर वो 1 मिलियन है ना वो सब पे भारी होने चाहिए कि वो पूरे देश का नाम रोशन करें, उन लोग को आगे बढ़ाओ। 15-18 साल तक तुम पढ़ाई करते हो, ओके, और एक छोटी सी नौकरी नहीं तुम ढूंढ पाते, उसके लायक नहीं हो, तो क्या वो तुम्हारा डिग्री का होगा, फेंक दो उसको फाड़ के। शॉर्ट में अगर समझाओ ना तो यहाँ का इंडिया का सिस्टम कैसा है बताए, जिन्होंने पूरी लाइफ में कुछ पढ़ा लिखा नहीं है ना वो सब पढ़े लिखों को मैनेज कर रहे हैं, वो पूरा डिपार्टमेंट उनके पास है। फिर जो बहुत छाणे लोग हैं ना बुद्धि से,
वो लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी करते होंगे, एवरेज लोग एवरेज नौकरियां करते होंगे। जो लोग यहाँ पे इंडिया पे फेल हुए ना, वो लोग गुंडे हैं सब। हाँ, क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है कांड, फिर भी फेल होते हैं ना, तो वो लोग गुंडे ही बनते हैं। फिर वो गुंडे लोग किसको मैनेज करते हैं? ये सब जो नौकरी करते हैं उन लोग को मैनेज करते हैं। हाँ, धमकी दे दिए ये हो जाना चाहिए, वो हो जाएगा। और जो लोगों ने अपनी लाइफ में ना स्कूल कॉलेज देखा नहीं है ना, वो लोग ने यहाँ पे वो बाबा सब साधु बन गए, वैसा धंधा खोल दिया है। हाँ, और ये जो फेलर है, जो पढ़े लिखे हैं, वो सब लोग उनको आके प्रणाम करते हैं, उनके पास आते हैं। हाँ, तो सब लोगों का यहाँ पे धंधा चलता है। हाँ, अपने इंडिया बेस्ट है, तुम पढ़े लिखे हो तो भी तुमको नोट मिलेगी, अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो भी तुमको नोट मिलेगी। तो सबको सुधरना पड़ेगा तो ही देश आगे आएगा भाई। हमको वो नौकरी करने वाले बकरे नहीं पैदा करने देश के लिए, हमको लीडर्स पैदा करने जो पूरे देश को है ना चलाए, जिसके नाम से पूरा देश वो रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सब मैं बोल रहा हूँ ना, तो कोई है ना अभी शाणा आदमी नीचे ऐसा कमेंट करेगा कि तेरे को इतनी देश की पड़ी है तो ये कैमरे के सामने क्यों इतना बकबक करता है, क्या बोलता है सब। हाँ, कुछ कर देश के लिए। तो धब भाई, मैं कर ही रहा हूँ और तेरे लिए मेरा ये आंसर है। सुन, ध्यान से सुन, मेरा बाप कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है कि मैंने बोल दिया और सब चेंज हो जाएगा, ऐसा कोई है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, चेंज लाना है तो सबको साथ में वो कुछ करना पड़ेगा, सबको अपना इंडिविजुअल रोल है ना पता होना चाहिए। ऐसा सिस्टम बनाना कि अगर नौकरी करनी है तो खुद को अपने उसके दम पे मिल जाए उसको, ऐसे दर दर पर वो ठोकरें ना खानी पड़े उसको। सिर्फ वो लोग रट्टा ना मारे, अपनी स्किल्स के अंदर आगे बढ़े, जिसमें उनको इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ाओ। तुम्हें ना गूगल में एजुकेशन इन इंडिया लिखना, ओके, और विकिपीडिया में ये पढ़ना, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये एजुकेशन सिस्टम ऐसे भूत पैदा करता है पूरे देश के अंदर कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में है ना गवा दी है। हाँ, वो टाइम उन्होंने अपने कोई स्किल के अंदर या कोई अच्छा सा सीखने के लिए नहीं गवाई है, उसी में पूरी लाइफ फिनिश हो जाती है। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारे माँ बाप भी तुमको इसमें डाल देते हैं, ये चूहों की रेस में फिर तुम भी दौड़ने लगते हो। तो एक बात याद रखना कि रियल एजुकेशन सिर्फ ना नंबर्स नहीं है, रियल एजुकेशन नॉलेज है। फिर भले ही तुम एवरेज स्टूडेंट्स क्यों ना हो, समझे।